सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जाबिर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाबिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जाबिर। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने CSC के से हो रही आर्थिक जनगणना के लिए रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है कि ट्रेनिंग और एग्ज़ाम का प्रोसीजर जो चालू हो गया है, कैसे एग्ज़ाम करना है, ट्रेनिंग पहले कैसे लेना है, कितने मार्क्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, इस चीज़ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट में क्लिक करना है, रजिस्टर फॉर 7th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। आप रिडायरेक्ट होकर इकोनॉमिक सेंसस के नए पेज पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने CSE इकोनॉमिक सेंसस का जो डैशबोर्ड था वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेनिंग एग्ज़ाम का लिंक यहाँ पर दिया जा चुका है और आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। चलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा और स्टेप बाई स्टेप देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रेनिंग एंड एग्ज़ाम रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर दिया जा चुका है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप सुपरवाइज़र हैं तो सबसे पहले आप अपना कर कीजिएगा और बाकी लोगों का भी यहीं से हो जाएगा। अगर बाकी लोग करना चाह रहे हैं खुद से तो उनका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ये जो रेफरेंस नंबर है डाल के और साथ ही उनका मोबाइल नंबर ये वाला डाल के वो लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आप अपना करके देखते हैं। तो ट्रेनिंग एंड एग्ज़ाम पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा, परमिशन मांगेगा, परमिशन दे दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा वही है, रेफरेंस नंबर से लॉगिन हुआ है, डायरेक्ट लॉगिन हो गया है। अब बाएं तरफ में आपको कुछ ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, इंट्रो, वीडियो, ग्लॉसरी दिख रहा है, उसके बाद डैशबोर्ड है, लर्निंग है, असेसमेंट है, उसके बाद एग्ज़ाम रिजल्ट है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना है आपको जाके, उसके बाद इकोनॉमिक सेंसस के बारे में आपको बेसिकली जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको सीधे आ जाना है लर्निंग में, यहीं से आपका ट्रेनिंग जो होगा आप देख सकते हैं। लर्निंग में जैसे आप क्लिक करेंगे उसके साथ माई लर्निंग वीडियोस का पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक सेंसस, यहाँ पर PDF भी है और वीडियो में भी आपको बोल के बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि PDF कंटेंट जो है इंग्लिश में है, तो आप इसको गूगल में जाके ट्रांसलेट करके हिंदी में करके पढ़ सकते हैं। तो आप सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से स्टेप बाई स्टेप सबको पढ़ लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी में से पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा का वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो बहुत जल्द इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा इन्यूमरेशन एरिया में भी। तो जो जो वीडियो जिसका अपलोड हो चुका है वीडियोज़ देखिए, और यहाँ से ट्रेनिंग PDF तो सबका आ चुका है, आप वो चीज़ देख लीजिए और कर लीजिए और इस चीज़ को आप कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, सबसे नीचे यहाँ पर 6 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पर PDF भी है और मोबाइल वीडियो में भी बताया गया है कि आपको कैसे करना है। तो चलिए हम एक आपको फर्स्ट कंटेंट ओपन करके दिखा देते हैं PDF वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुलेगा और ये जो है बिल्कुल ही अंग्रेजी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको गूगल में जाकर ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा सेलेक्ट करके इसको और गूगल में पेस्ट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा वीडियो भी दिखाते हैं, लेकिन वीडियो दोस्तों वीडियो नहीं दिखा पाएंगे कि कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो का भी देख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको अपना असेसमेंट कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बिना असेसमेंट कंप्लीट किए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों असेसमेंट क्या है, आप ये जो यहाँ पर पढ़ेंगे इन सबको एक ये कहे तो मतलब प्री एग्ज़ाम के पहले जो टेस्ट होता है, सेमी टेस्ट होता है, उसको आप यहाँ पर करेंगे जो कि असेसमेंट के रूप में होगा। तो चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं, आपको ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम दे पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 6 मेरा मतलब है 6 असेसमेंट यहाँ पर दिया गया है आपको। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक सेंसस, दूसरा इन्यूमरेशन प्रोसेस, तीसरा सेंसस हाउस होल्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद सॉफ्ट स्किल, उसके बाद शेड्यूल्ड इकोनॉमिक सेंसस 7.0। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों सभी असेसमेंट में 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मिनिमम पास शायद 7 है। यहाँ पर हमने अपना पहला एक करके देखा है जिसमें मुझे 9 मार्क्स मिले हैं। आपको करने के लिए यहाँ पर लॉग का निशान है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका असेसमेंट खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2 भाषाओं में आपको मिलेगा, प्लीज़ चूज योर लैंग्वेज बिलो,
इंग्लिश और हिंदी। तो दोस्तों बता दें कि हिंदी जो है यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, आपको अंग्रेजी में ही अपना असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा, फिर स्टार्ट एग्जाम पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने 200 क्वेश्चंस खुल जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करके 200 क्वेश्चन का जो है आंसर बारी बारी से दे दीजिए। उसके बाद आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो जाने के बाद आपको आपका मार्क्स दिखा देगा कि आपने कितना मार्क्स जो है अर्न किया है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देके देखते हैं। जैसे कि ये वाला फर्स्ट है, मैं जैसे ऐसे लगा दे रहा हूँ आंसर इसमें। चलिए हम आंसर दे देते हैं कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर। यहाँ पर पहला आंसर होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक लगाइएगा, असेसमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। भारतीय पोस्ट एनुमरेशन सर्वे सर्वे रन इन द मंथ आफ्टर ईच सेंसस अ टीम कम्युनली। नॉन ऑफ देम हम यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, ये ऐसे ही हम लगा रहे हैं ताकि आप देख सकें, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना 200 क्वेश्चन का आंसर लगभग लगभग दे दिया है, और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन में देख सकते हैं 3 मार्क्स हमने अर्न किया है यहाँ पर। तो हम फेल हो चुके हैं, दूसरे असेसमेंट में देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आपको सॉरी असेसमेंट कंप्लीट करने का आपको ऑप्शन दिया है। हम यहाँ पर फर्स्ट वाले में पास थे तो यहाँ पर से हट गया है क्योंकि 9 मार्क्स मिले हैं, और यहाँ पर फिर से रीअपियर का आपको मिल गया है। आप यहाँ से क्लिक करके रीअपियर में जा सकते हैं। इसी तरह से आपको 6 के 6 सेमेस्टर कंप्लीट करना है, और जिस दिन आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है और आप एग्जाम दे पाएंगे। तो सबसे पहले जरूर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको लर्निंग कंप्लीट करना है, उसके बाद असेसमेंट कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्जाम रिजल्ट आपको देना है। ऐसे ही अगर आप इन्यूमरेटर्स के लिए एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, खुद के पोर्टल से अगर ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, तो आप सीधे बैक जाएंगे वहीं पर, और फिर से आपको वहीं पर मिल जाएगा ये वाला लिंक, जहाँ पर आपको बाकी न्यूमरेटर्स के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे लॉगिन के। आपको अगर वहाँ से लॉगिन होने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट ही आप उनका एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। हम एक बार फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ ट्रेनिंग एंड एग्ज़ाम में आप आएंगे, उसके बाद सबके बाएं तरफ में ट्रेनिंग एंड एग्ज़ाम का लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पोर्टल पर जा सकते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम और ट्रेनिंग होगा। तो ये सुपरवाइज़र और इन्यूमरेटर के लिए कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं है, दोनों के लिए सेम है। और आप एग्ज़ाम पास करने के बाद यहाँ से गेट सर्टिफिकेट करके सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको आईडी कार्ड भी यहाँ पर मिल जाएगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम पास करेंगे उसके 2 दिनों के बाद, 2 या 3 दिनों के बाद आपको सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दोनों मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।